हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में मैंने जो ट्रैक्शंस का पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रैक्शंस का जो क्लासेस भी चल रही है, मैंने कुछ वीडियो भी ट्रैक्शंस के बारे में आप लोगों को वहां पर देखिएगा, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ ट्रैक्शन में। सो बेसिकली ट्रैक्शंस जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर भी है, और यदि कोई पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा या बीटेक में भी ट्रैक्शंस करके एक अलग सब्जेक्ट ही होता है, तो दोनों के लिए यूजफुल है। तो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ द सिस्टम्स ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब जैसे कि हम लोग रेलवे में बात करते हैं तो कभी आप लोग देखते हैं जो पेंटोग्राफ होता है, एक्चुअल में जो पेंटोग्राफ, तो एक कंडक्टर वायर से हम लोग का टच है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है। तो बेसिकली हम लोग का जो ट्रैक्शन में जो मोटर का यूटिलाइज करते हैं, जैसे डीसी सीरीज मोटर भी यूज करते हैं, सिंगल फेज एसी मोटर भी यूज करते हैं, और थ्री फेज एसी इंडक्शन मोटर भी यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का जो ट्रैक्शंस में जो हम लोग को जो सप्लाई होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम्स ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, तो वो कितने टाइप्स का है। तो बेसिकली जो होगा, जैसे कि हम लोग डीसी सिस्टम का बात करेंगे, हम लोग एसी सिस्टम का बात करेंगे, तो अब एसी में सिंगल फेज भी है और थ्री फेज भी है। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, जैसे द कांडो सिस्टम बोलते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन मीन कंपोजिट सिस्टम, मीन्स आपका सिंगल फेज एसी, थ्री फेज एसी या एसी या डीसी। तो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम्स ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में, ये मतलब ट्रैक्शंस जो सब्जेक्ट है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हम लोग जो 25 केवी ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग 25 केवी ले रहे हैं तो उसका क्या रीजन है। तो इसका मैं पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ, तो जिसमें कि आज का मैं हम लोग एक सिंपल एसी सिस्टम, मतलब डीसी सिस्टम और एसी सिस्टम पार्ट वन में रहेगा, मतलब सिंगल फेज एसी सिस्टम एंड अ थ्री फेज एसी सिस्टम एंड कंपोजिट सिस्टम नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तो सिस्टम्स ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन को देखिए, आप लोग के मैं सामने पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं वन बाय वन करके एक नोट्स के साथ में पूरा डिटेल जो है कि आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझ जाइएगा सिस्टम्स ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, सेमेस्टर्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो ओके देखिए, इस प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ जैसे सिस्टम्स ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन पार्ट वन है, जिसमें मैं आज जो डीसी सिस्टम और सिंगल फेज एसी सिस्टम्स को कवर करूंगा। जैसा कि मैंने बात कर रहा था क्या कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पेंटोग्राफ से हम लोग का जो पेंटोग्राफ से वायर आ रहा है, उसके बाद हम लोग का कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, कौन सा टाइप का मोटर है, कैसा कन्वर्टर, कैसा इन्वर्टर हम लोग क्या होगा, तो देखिएगा आज क्लियर हो जाएगी हम लोग को सारा चीज़। तो ये देखिए, एक्चुअल में मैं इस सेंस में पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग का बीटेक सेमेस्टर का एग्जाम या पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का एग्जाम पूरी तरह से कवर हो जाए। तो समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि द सिस्टम, यहाँ पर मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, द सिस्टम विच यूजेज सिंपली इलेक्ट्रिकल पावर फॉर ट्रैक्शन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो फॉर रेलवेज ट्राम्स ट्रॉली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एंड द ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन रेफर टू द टाइप ऑफ सोर्स सप्लाई। हम लोग जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन करने का मतलब क्या होता है कि किस टाइप का सप्लाई सिस्टम हम लोग पावर, जैसे होता है ना कोई मोटर है एसी मोटर डीसी मोटर, तो किस टाइप का हम लोग यूज करेंगे। सो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिस्टम, इट कैन बी एसी डीसी और कंपोजिट। ओके, सो एक्चुअली किस कौन कौन सा फैक्टर होता है फॉर सेलेक्टिंग दिस फैक्टर, सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिफिकेशन सिंपली डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई, किस टाइप का सप्लाई अपने अवेलेबल है, टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन एरिया, किस टाइप के एरिया में यूज करेंगे, सर्विसेज अर्बन है कि सब अर्बन है या मेन लाइन सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग किस टाइप का मोटर को यूज करेंगे, कैसा सप्लाई होना चाहिए, तो वो सारे डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पे। तो बेसिकली मैंने कहा भी है अभी कि डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम्स, एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम्स एंड द कंपोजिट सिस्टम। ओके, कंपोजिट सिस्टम, तो आते हैं हम लोग फर्स्ट वन, दैट इज द डीसी सिस्टम। तो देखिए यहाँ सिंपल एक लाइन डायग्राम बना हुआ है जिसमें पेंटोग्राफ है, जिसमें मोटर कंट्रोल यूनिट से ओवरहेड वायर से यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर डीसी सिस्टम, जिधर हम लोग डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ है, और सपोज ये मेरा एसी सप्लाई है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सो सिंपली इन दिस सिस्टम द इलेक्ट्रिक मोटर इम्प्लॉयड फॉर गेटिंग द नेसेसरी मोटिव पावर आर यूजुअली डीसी सीरीज मोटर्स, डीसी सिस्टम्स में विद डीसी सीरीज मोटर्स एंड अलसो द कंपाउंड मोटर्स आर कमिंग इनटू फेवर फॉर ट्रामवेज एंड द ट्रॉली बसेस लाइक सिंपली वेयर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज डिजायर्ड। तो देख सकते हैं हम लोग बेसिकली दो टाइप का मोटर है, डीसी सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर फॉर द डीसी सिस्टम। ओके,
एंड द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज फ्रॉम 600 टू 750 वोल्ट। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है किसके लिए? ट्रामवेज के लिए। और मेनी सबर्बन रेलवे एंड दिस रेंज फ्रॉम 1500 वोल्ट टू 3000 वोल्ट फॉर द मेन लाइन रेलवे। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना होगा। द ड्राइविंग मोटर्स रिसीव्स पावर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीसी एज वेल एज सिंगल फेज एसी सिस्टम। एक बेसिक इंट्रोडक्शन से बस कुछ लाइंस है, कुछ पॉइंट है आप लोग का एग्जामिनेशन के लिए, कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा। जैसे कि डीसी सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, 600 रेंज क्या है वोल्टेज का, कुछ खास चीज और कहां पर हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट को जो पॉइंट होता है वही आप याद रखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन कॉन्टैक्ट वायर इन केस ऑफ ट्रामवेज एंड टू कॉन्टैक्ट वायर्स इन केस ऑफ ट्रॉली बसेस। ओके, लाइक रनिंग रेल्स एक्ट एज करंट रिटर्निंग कंडक्टर इन केस ऑफ ट्रामवेज एंड व्हिच इज फेड फ्रॉम सबस्टेशन। ओके, सो एक्चुअली हम लोगों को बेसिकली हम लोग का पावर कहाँ से आ रहा है? सब स्टेशन से ही आ रहा है। हम लोग कोई एक्स्ट्रा पावर कहीं से जनरेट नहीं कर रहे, जो हम लोग का जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पर जनरेट हो रहा है वहीं से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर हम लोग छोटे छोटे सब स्टेशन बना करके पावर को हम लोग वहाँ पर फेड करते हैं ट्रैक्शन पर्पज में, इलेक्ट्रिफिकेशन पर्पज में। तो दीज सब स्टेशन रिसीव एसी पावर। एक्चुअली हम लोग जो भी जनरेट करते हैं पावर, जो भी पावर हम लोग स्टेशन से है वो हम लोग एसी होता है, और ट्रांसमिशन लाइन में जो भी पावर ट्रांसमिट होता है वाले सबको पता है कि एसी सिस्टम एसी पावर ही आता है, ठीक ना। और हम लोग जो ट्रैक्शन में जो ट्रम जो हम लोग का पेंटोग्राफ होता है, जो हम लोग का सब स्टेशन जो पावर होता है एसी है, तो हम लोग को जो इनपुट पावर जा रहा है वो एसी पावर। सो फ्रॉम ए थ्री फेज हाई वोल्टेज लाइक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन्स एंड कन्वर्ट इन टू डायरेक्ट करंट आइदर बाय रोटरी कन्वर्टर्स और बाय मर्करी या रेक्टिफायर्स और थायरिस्टर्स कन्वर्टर विद सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बात समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है? एसी सप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब एसी को यदि हम लोग के पास डीसी सिस्टम है, डीसी मोटर है, तो आप लोग को पता होगा बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं। सिंपली हम लोग क्या यूज करेंगे? रेक्टिफायर, और वो हम लोग का डीसी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे जो कि डीसी मोटर्स के लिए पावर आएगा, है ना, जिसको हम लोग रेक्टिफिकेशन। तो तीन तरह तरह का कन्वर्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पॉइंट को थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा। सो ड्यू टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड मॉडरेट स्पीड कंट्रोल द डीसी सीरीज मोटर्स आर एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड इन डीसी ट्रैक्शन सिस्टम। मैंने देखिएगा ट्रैक्शन में भी मोटर्स के बारे में भी जो है कि एक्चुअली मैंने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में डीसी सीरीज मोटर इस सब के बारे में वीडियो डाला हुआ है कि क्या है, कौन सा मोटर का फीचर्स क्या है, कहाँ पर एप्लीकेशंस करते हैं। सारे वीडियो को देखिएगा तो सारी क्लासेस समझ में आ जाएगी। सो दे प्रोवाइड हाई टॉर्क एट अ लो स्पीड एंड लो टॉर्क एट हाई स्पीड्स। हम लोग ट्रैक्शन में जो एक्सेलरेट करने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि डीसी सीरीज मोटर बहुत ही ज्यादा हम लोग का यूजफुल है। सो दे प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट अ लो स्पीड एंड लो टॉर्क एट हाई स्पीड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एडवांटेजेस के बारे में बता रहा हूँ कि इन केस ऑफ हेवी ट्रेन्स दैट रिक्वायर फ्रीक्वेंट एंड रैपिड एक्सेलरेशन डीसी ट्रैक्शन मोटर्स आर बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू एसी मोटर। डीसी ट्रेन, एक्चुअली मैंने कहा भी था शुरुआत में कि किस टाइप का एरिया है, कहाँ पर किस टाइप का हम लोग एप्लीकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोटर्स का यूज करते हैं। सो डीसी ट्रेन कंज्यूम लेस एनर्जी कंपेयर टू एसी यूनिट फॉर ऑपरेटिंग सेम सर्विस कंडीशंस। नेक्स्ट एडवांटेजेस, द इक्विपमेंट इन डीसी ट्रैक्शन सिस्टम इज लेस कॉस्टली, हाइयर एंड मोर एफिशिएंट देन एसी ट्रैक्शन सिस्टम। नेक्स्ट, इट कॉजेस नो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस विद नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन्स। एक्चुअली हम लोग का नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन्स होगा वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा जब डीसी का बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट दिस इज द डिसएडवांटेजेस। सो एक्सपेंसिव सब स्टेशंस आर रिक्वायर्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, द ओवरहेड वायर और थर्ड रेल्स मस्ट बी रिलेटिवली लार्ज एंड हेवी, थर्ड पॉइंट वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन लेंथ। तो डीसी सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये डीसी सिस्टम हम लोग का क्या है। ओके, सो अभी नेक्स्ट हमें आते हैं जो कि हम लोग का सिंगल फेज एसी सिस्टम है। सिंगल फेज सिस्टम्स भी हम लोग वाइडली यूज करते हैं, एसी ट्रैक्शन सिस्टम बेसिकली। मैंने यहाँ पर एक लाइन डायग्राम यहाँ पर भी दिया हुआ हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग सिंगल फेज मोटर्स का बेसिकली यूज कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके हम लोग थ्री फेज भी यूज करेंगे। सो एन एसी ट्रैक्शन सिस्टम हैज बिकम वेरी पॉपुलर नाउडेज and it is more often used in most of the traction system due to several advantages such as quick availability and generations of AC that can be easily stepped up or stepped down। आप लोग सबको पता है
कि जो हम लोग के एसी सिस्टम्स होता है, एसी सप्लाई, बाय यूजिंग सिंपली ट्रांसफार्मर, हम लोग यदि ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, जो कि हम लोग का डीसी में पॉसिबल नहीं है। एसी के सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सिंपल हम लोग बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर वी कैन स्टेप अप द वोल्टेज, स्टेप डाउन द वोल्टेज, जिसके कारण ही जो है कि एसी बहुत ही रिलायबल है एज कम्पेयर टू डीसी। सो इजी कंट्रोलिंग ऑफ एसी मोटर्स, ओके, लेस नंबर ऑफ सबस्टेशंस रिक्वायरमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओवरहेड कैटेनरीज एंड ट्रांसफर लो करंट एट हाई वोल्टेज एंड सो ऑन। तो ये हम लोग का सिंगल फेज एसी सिस्टम है, पेंटोग्राम में देख सकते हैं, ठीक ना। और जैसे कि हम लोग का रिक्वायरमेंट भेजे थे कि हम लोग ट्रांसफार्मर यूज किए हैं तो इसको स्टेप अप कर सकते हैं, डाउन ही करना है क्योंकि हम लोग का जो एक्चुअल में 25 केवी हम लोग जो स्टैंडर्ड इंडियन रेलवे में सप्लाई लेते हैं, इंडियन का ऑल ओवर वर्ल्ड में 25 केवी लेते हैं। इसका रीजन भी मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें 25 केवी ही क्यों हम लोग यूज करते हैं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन में, उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या एडवांटेजेस है इसका यूज करने से। तो 25 एक्चुअली हम लोग का अंडर में जो भी मोटर होगा तो क्या होगा 440 रेंज 440 वोल्ट का होगा। तो ट्रांसफार्मर से हम लोग यहाँ पर स्टेट डाउन कर देंगे, यदि हम लोग रेक्टिफिकेशन करना रहेगा तो रेक्टिफिकेशन करेंगे, फिर यदि हम लोग को मान लेते हैं कि एसी करना है, एसी में कन्वर्ट करना है रेक्टिफायर के बाद, हम लोग जो भी करना रहेगा तो हम लोग मेरे पास क्या इन्वर्टर है, कन्वर्टर है, थायरिस्टर कंट्रोल कन्वर्टर है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर मोटर कंट्रोल यूनिट में फेड करेंगे। तो इस तरह से सिंगल फेज सिस्टम में सिंगल फेज सप्लाई हम लोग, मतलब एसी का बात करें, एसी सप्लाई यहाँ पर हम लोग फेड करेंगे। नेक्स्ट में देख रहे हैं क्या कि द सप्लाई सिस्टम्स ऑफ एसी इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूड सिंगल फेज, थ्री फेज एंड कंपोजिट सिस्टम। सिंगल फेज सिंपली जो सिंगल फेज है, जो सिंगल फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं, सिंगल फेज, द सिंगल फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 11 to 15 के बी। देखिए रेंज को याद रखना होगा क्या कितना रेंज का वोल्टेज है, एंड सप्लाई एट दिस इज 16.7 hertz एंड 25 hertz टू फैसिलिटेट द वेरिएबल स्पीड ऑफ एसी कम्यूटेशन मोटर्स। इट यूजेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स टू कन्वर्ट फ्रॉम द हाई वोल्टेजेस एंड फिक्स्ड इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, कितना रेंज है, कितना फ्रीक्वेंसीज है, ओके। द सिंगल फेज 25 kV एट 50 hertz इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एसी इलेक्ट्रिफिकेशन। इट यूज्ड फॉर हेवी हाउस सिस्टम एंड मेन लाइन सर्विसेज सिंस इट डजंट रिक्वायर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। नाउ दिस इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ कंपोजिट सिस्टम वेयरिन द सप्लाई इज कन्वर्टेड डीसी टू ड्राइव डीसी ट्रैक्शन मोटर। तो ये सिंगल फेज एसी सिस्टम हम लोग सिंपली सप्लाई में हम लोग लेंगे। अब देखिए सिंगल यदि हम लोग इसके बाद यदि डीसी में कन्वर्ट करना भी चाहेंगे तो रेक्टिफायर है हम लोग के पास, रेक्टिफायर से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो कन्वर्जन के लिए टेंशन नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं सिस्टम्स ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन कि कितने तरह का हम लोग का सप्लाई इलेक्ट्रिफिकेशन के पर्पज में हम लोग लेंगे। सो द थ्री फेज सिस्टम इज ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर टू ड्राइव द लोकोमोटिव and it is rated at 3.3 kV 16.7 hertz. The high voltage distribution system at 50 hertz supply is converted to this electric motor rating by transformers and frequency converters. So this system employs two overhead lines and the track rail from another phase, but this raises the many problems at crossing and junctions. ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। यदि एडवांटेजेस का बात करेंगे तो फ्यूअर सब स्टेशन आर रिक्वायर्ड, कम सब स्टेशन से ही काम चल जाएगा। लाइटर ओवरहेड करंट सप्लाई वायर कैन बी यूज्ड, रिड्यूस्ड वेट ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर, ओके, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। डिसएडवांटेज में क्या है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लाइंस, ओवरहेड वायर फर्दर लिमिट क्लियरेंस इन टनल्स, अपग्रेडिंग द नीड एडिशनल कॉस्ट स्पेशली इन केस देयर आर ब्रिज एंड टनल्स। जब हम लोग ब्रिज एंड टनल्स में टावर वावर का बात करेंगे तो उस समय हम लोग को प्रॉब्लम है। सो रेलवे ट्रैक्शंस नीड इवन पावर विथ नो कट्स। हम लोग को क्या चाहिए कि रेलवे में जो पावर है वो कटना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए, ओके। तो हम लोगों ने जो सिंपली जो हम लोगों ने देखा तीन टाइप का यहाँ पर सॉरी दो टाइप का सिस्टम्स के बारे में आज मैंने आप लोगों को बता दिया, डीसी सिस्टम और सिंगल फेज एसी सिस्टम। तो दोनों का नोट्स आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि ये आप लोग का सेमेस्टर्स में ये सब क्वेश्चंस कंफर्म है।
और मेनली फोकस करना है कि कितना वोल्टेज रेंज है, क्या कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, क्या इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए, और मोटर्स क्या यूज कर रहे हैं, उस मोटर्स का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आना चाहिए, और बाद में की जो सिस्टम सब ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ईजी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो सिंपल नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे थ्री फेज सिस्टम्स के बारे में और कंपोजिट सिस्टम के बारे में। तो आज जो ये लिए लेक्चर यहीं तक रहेगा। सो आप लोग समझ गए होंगे। सो ओके, बाय, लव यू एंड टेक केयर।